हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग कैसे, वो कॉल सेटिंग कैसे इनेबल करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सिंपल इजी स्टेप बताएंगे। आपको देखना है और फॉलो करना है वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डायल पैड को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको थ्री डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तीन ऑप्शन ओपन होएंगे। सेटिंग पे क्लिक कर लेना। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कलर एलडी एंड स्पेन, तो आपको क्लिक करके यहाँ से ऑन कर लेना। जब हमारे दोनों ऑप्शन ऑन होएंगे यहाँ से हमें यहाँ से बैक हो लेना। बैक होने के बाद में आपको यहाँ पर दो ऑप्शन छोड़ देना है। यहाँ से आपको ब्लॉक नंबर पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप अपने फोन में जैसे कि अनऑन नंबर की कॉल ब्लॉक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से ऑन कर देना है। तो आपके फोन में जो अनऑन नंबर है उसकी कॉल ब्लॉक हो जाएगी। जैसे कि आपने किसी पर्सन नंबर या ऐड नंबर को ब्लॉक करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको वो नंबर ट्राई कर लेना, जिस नंबर को ब्लॉक कर लेना है इस प्रकार आपको नंबर ट्राई करना है यहाँ से, और यहाँ से ब्लॉक पर क्लिक कर देना। देखिए, हमने अपने फोन में 52 नंबर ब्लॉक किया था तो हमारे यहाँ से ब्लॉक हो चुका है। यहाँ से आप जैसे कि आपको अनब्लॉक करना है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा अनब्लॉक का, तो आप यहाँ से अनब्लॉक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने फ़ोन में कॉल ब्लॉक करेंगे, यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉलिंग अकाउंट, तो कॉलिंग अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे ना आपको यहाँ से ऑप्शन देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऑप्शन ओपन आएंगे। कॉल फॉरवर्ड, तो यहाँ पर कॉल वेडिंग, जैसे कि आपको कॉल फॉरवर्ड, यहाँ से अपने फोन में कॉल फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ से आपको बैक हो लेना है। आपको वहाँ पर कॉल फॉरवर्ड कर लेना। यहाँ से आपको बैक होकर यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा कॉल वेडिंग, तो आप यहाँ से अपने फोन में कॉल वेडिंग करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिर नीचे आ जाना आपको कॉल रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है। जैसे आपको नंबर नॉट इन योर कॉन्टेक्ट, यहाँ से आपको ऑफ है आपके फोन में, तो यहाँ से इस प्रकार आपको ऑन करके ऑलवेज रिकॉर्ड कर दें तो आपके फोन में जो कॉन्टेक्ट नंबर है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल हो जाएगी। आपको किसी सिलेक्ट नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो आपको कॉन्टेक्ट पे जाकर नंबर ट्राई कर लेना और यहाँ से आपको इसको ऑन कर देना। तो इस प्रकार आपके फोन में कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल करेंगे। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा डिस्प्ले स्टोर वाइज पे क्लिक कर लेना। जैसे कि आपके फोन में जो कॉन्टेक्ट नंबर है उसको आप फर्स्ट नाम या लास्ट नाम से ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से फर्स्ट नाम और लास्ट नाम पे ऐड करना है, तो आप यहाँ से अपने फोन में ट्राई कर लेंगे और यहाँ से आपको बैक करना। तो आप अपने हिसाब से अपने फोन में जो भी रखना है फर्स्ट नाम या लास्ट नाम आप वहाँ से चेंज कर लेंगे। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा लेबर प्रेस, तो यहाँ पर क्लिक कर लेना। लेबर प्रेस के ऑप्शन को क्लिक करके आपके दोनों ऑप्शन ओपन रहेंगे। यहाँ से आपको बैक करना, फिर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। जैसे कि आपके फोन में कोई भी व्यक्ति कॉल कर रहा है और आप इमरजेंसी में उठ नहीं पा रहे, जैसे कि आप फ्री होने के बाद आप उसको जवाब देना चाहते हैं तो आपके यहाँ से जैसे कि ऑफ है तो आपको इसको ऑन कर लेना। यहाँ से आप कोई भी मैसेज वगैरह उसको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन में साउंड पर क्लिक कर लेना। साउंड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर नोटिफिकेशन, रिंगटोन, अलार्म, जो भी आप अपने फोन में चेंज करना चाहते हैं, रिंगटोन चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करके रिंगटोन पर क्लिक करना। तो इस प्रकार आप अपने फ़ोन में रिंगटोन चेंज करेंगे तो यहाँ से आपको रिंगटोन चेंज करने को मिलेगा और यहाँ से आपको अपने फ़ोन में ऑप्शन देखने को मिलेगा। फ्रेंड, साउंड पे जाने के बाद में नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा एड्रेस सेटिंग, यहाँ से आपको सारे साउंड देखने को मिलेगा डायल पैड नोटिस। तो इस प्रकार आपको अपने सारे फ़ोन में सारे साउंड ऑन कर लेना है। यहाँ से बैक होना। बैक होने के बाद में आपको यहाँ से ऑप्शन देखने को मिलेगा वीडियो कॉल, तो यहाँ से वीडियो कॉलिंग करते हैं। यहाँ से आपको वॉइस मेल का ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप अपने फोन में एडवांस सेटिंग पे क्लिक करेंगे, जिस नंबर पर आप अपने वॉइस मेल भेजना चाहते हैं यहाँ से आपको क्लिक कर लेना, वो नंबर आपको यहाँ से ट्राई कर लेना, जिस नंबर पर भी आपको भेजना है इस प्रकार आपको ट्राई करना, ओके कर देना। देखिए फ्रेंड, वो नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जिस नंबर पर आप वॉइस कॉल भेजना चाहते हैं, यहाँ से आपको वो नंबर देखने को, जैसे कि हमने अपने एड टाइप कर लिया तो आपको यहाँ देखने को मिला। इस प्रकार अपने फोन में वॉइस मेल भेज सकते हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्रेंड फ्लिप टू साइलेंट, हमारा फ्लिप टू साइलेंट ऑफ है, यहाँ से हमें ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद में हम इसको ऑन कर लेते हैं तो देखिए हमारे फोन में कोई व्यक्ति कॉल कर रहा है और हम इसको साइलेंट पे लगाए जाते हैं। जब अपने फ़ोन को फ्लिप करेंगे तो हमारा फ़ोन खुद ही कुछ साइलेंट पे हो जाएगा। इस प्रकार आपके फ़ोन में कॉल सेटिंग इनेबल करेंगे। आई होप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।